आज मेरा कार्यक्रम है कोटा में था और निश्चित रूप से हमारे जो समाज के और सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने मेरे को जगह जगह रोक के उनसे मिलना हुआ। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने जो काम किया है इनको धन्यवाद देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और इन्होंने जो राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाकर एक डबल इंजन की सरकार हुई और इस डबल इंजन की सरकार आने के बाद निश्चित रूप से वो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं हम उसको राजस्थान प्रदेश में उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, पहुंचाकर उसको मुख्य धारा में समाज की मुख्य धारा में लाने का। नई सरकार की क्या प्राथमिकता रहेगी? नई सरकार की प्राथमिकता सबसे पहले यही है जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में इस राजस्थान प्रदेश को पीछे किया है और उनके सभी जिनके जो भ्रष्टाचार हुए सरकार में जो पेपर लीक का काम हुआ है हमेशा हमारे बेरोजगारों को ज़्यादा बेरोजगार दिया और ये आई जब ये कह के आई थी हम इन बेरोजगारों को भत्ता देंगे हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे लेकिन ये कुछ नहीं कर पाई। और अब मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं उनको मैं हम आम जन तक जो पात्र व्यक्ति है उसको पहुंचाकर इस राजस्थान की जनता को मुख्य धारा में लाकर जो हमारे पीछे जो लोग रह गए उनको और विकास कार्य में आगे बढ़ाने का काम करेंगे राजस्थान। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया? मंत्रिमंडल का विस्तार आप लोग पहले भी सुन रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा हो गया आपके सामने कल हो गया मंत्रिमंडल का विस्तार। निश्चित रूप से सारा मंत्रिमंडल कैबिनेट बन के और इस राजस्थान प्रदेश को आगे बढ़ाने का पोर्टफोलियो का जब मंत्रिमंडल बना तो वो भी होगा। कभी देखा था क्या आप बिना पोर्टफोलियो के?